किसी ने मेरा लिखा, किसी ने कहा हमारी उम्र 50 साल है, जब से आज तक मतलब छः तकबीरों का अमल करें या पढ़ते हैं, आपसे मालूम हुआ कि 12 तकबीरात करना चाहिए, तो किस तरह करना चाहिए 12 तकबीरात? देखिए 12 तकबीरात कहना ये सुन्नत से साबित है, ये पूरी सही हदीस है कि आप 12 तकबीरात, 6 के लिए कोई रिवायत मुझे नहीं मिली। 12 तकबीरात का तरीका ये नमाज का कि सबसे पहले जो इंसान जो अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधेगा, सना पढ़ेगा और सूरह फातिहा से पहले फिर 7 मर्तबा तकबीरात होंगी, चाहे तो हाथ उठाए चाहे तो हाथ रखे बंदे रखे, दोनों भी अल्लाह अकबर 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 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाथ बांधेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा जमीन सुरो, फिर उसके बाद दूसरी रकात में खड़ा होगा, दूसरी रकात में खड़ा होते ही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 5 बार होगा और फिर उसके बाद बाकी का मामला चलेगा, जो खड़े होते अल्लाह ऊपर एक हो गया, फिर 5 करेंगे, फिर हाथ बांधेगा, फिर सूरह फातिहा जमीन सुरा और उसके बाद, ये है उसका तरीका याद रखे 2 तकबीरात में। अब जो मामला चल रहा है हमारे पास 6 तकबीरात का, देखिए सबसे पहले तो तकबीरात सुन्नत है इंशाल्लाह अजीज, इनकी छूटने से नमाज में फ़र्क नहीं आएगा और इनके कम ज़्यादा होने से भी इंशाल्लाह अजीज हमारे नमाज में फ़र्क नहीं आएगा, तो लिहाजा आपने जो किया इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ताला देखने वाला है, अगर आपको अब पता चल गया आप कर सकते हो तो करें, लेकिन जहाँ इज्तिमाइयत का मामला आता है और इमाम वो तरीके पर है तो मैं भी उसके पीछे चलूंगा, तो जाहिर से तो मैं भी 6 तकबीरात ही करता हूँ, फिर चूँकि सुन्नत है और ईदगाह में नमाज पढ़ना मौकेदा है सुन्नत है और मुसलमानों की इज्तिमाइयत के साथ रहना ये हम पर वाजिब है। इज्तिमाइयत से मुराद हमारी जमात की इज्तिमाइयत नहीं, उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत है और उसके साथ हम बिल्कुल रहेंगे हर बार, ठीक है। तो लिहाजा छूट जाने से इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर उलमा की इल्मी चूक है तो इंशाल्लाह अजीज उसका फ़ायदा भी होता है, वो मसला नहीं, लेकिन जहाँ 12 होती है बिल्कुल 12 करे, जहाँ लोगों को इल्म है वो कोशिश करे कि तकबीरात को बढ़ा दे और उसको 12 ही रहने दे, और अगर आपने 6 से पढ़ी तो अल्लाह से बहरहाल अब आपको पता चल गया सही चीज़ पर आप अमल करें और इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ताला हमारी नियतों को देखेंगे इस मामले में, और चूँकि सुन्नत है इंशाल्लाह नमाज में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा।